नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अंडा खाते हैं तो सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़े पाप के भागीदार बन चुके हैं। आजकल इस पूरी दुनिया में मांस मछली मीट खाया जाता है। दुनिया के अधिकतर लोग मांस मछली मीट खाते हैं। कुछ लोग अपने स्वाद के लिए मांस खाते हैं, कई लोग अच्छी बॉडी बनाने के लिए भी मांस मीट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हिंदुओं को कभी भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था कि हिंदू धर्म का जो भी व्यक्ति अपनी भूख व ताकत को बढ़ाने के लिए दूसरे जानवर के मांस को खाता है तो उस व्यक्ति से बड़ा महापापी और कोई नहीं हो सकता, और मृत्यु के बाद उसे इन सभी पापों का दंड अवश्य होगा, जो कि बहुत ही भयानक होता है। या तो हम सब जानते हैं कि चिकन मांसाहारी होता है, लेकिन सब लोगों को यह पता है कि अंडा मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होता है। अंडा खाने से हमें क्या पाप लगता है, और हम आपको इस वीडियो में इसी बात की जवाब देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि अंडा शाकाहारी होता है और कुछ लोग मानते हैं कि अंडा मांसाहारी होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि अंडा शाकाहारी ही होता है। दोस्तों, अंडा खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। जिस प्रकार वनस्पतियां होती हैं, लेकिन वनस्पतियों में जो भी चेतन अवस्थाएं होती हैं वह शुद्ध होती हैं, इसीलिए हम वनस्पति खा सकते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, दालें आदि। जिस प्रकार वनस्पतियों में शुद्ध अवस्था होती है, उसी प्रकार अंडे में भी शुद्ध अवस्थाएं होती हैं। परंतु अंडे को खाने से पाप लगता है, वनस्पतियों को खाने से पाप नहीं लगता, और वनस्पतियों को खाने से कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि वह हमारे द्वारा ही पैदा की गई होती हैं। अंडा जो कि एक मुर्गी के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है, अगर हम उसे खाते हैं तो यह सर्वपरि सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मुर्गी एक बच्चे को पैदा करती है और कोई भी व्यक्ति उसे अंडा समझ के तुरंत खा लेता है तो वह एक मृत्यु मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने पेट को पालने के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब एक माँ के दर्जे के हिसाब से एक मुर्गी अपने बच्चे को उत्पन्न करती है और वो अपने जीवन में आ भी नहीं पाता है कि जो व्यक्ति होते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए उस अंडे को पहले ही खा जाते हैं, तो जो बच्चा इस जन्म में लेने वाला था वह पैदा भी नहीं हुआ और इंसान उसको आके खा गया, ये कितना बड़ा पाप है। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स पर राय दीजिए, क्या आप अंडा खाते हैं और आपके नज़र में क्या अंडा खाना पाप है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।